सुंबुल से जुड़े अननोन फैक्ट्स बिग बॉस से पहले भी कर चुकी हैं रियलिटी शो। आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म में किया है काम। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 में सुंबुल तौकीर बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं। सुंबुल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो इमली सीरियल की वजह से सुर्खियों में आई हैं। लेकिन सुंबुल टीवी सीरियल इमली के अलावा भी कई सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, वो रियलिटी शोज भी कर चुकी हैं और वो फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, ये कम ही लोग जानते हैं। सुंबुल के अननोन फैक्ट के बारे में जानकर काफी लोग हैरान हो सकते हैं, तो सिलसिलेवार तरीके से सुंबुल से जुड़ी अननोन फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सुंबुल का जन्म 2003 में हुआ था और वो पहली बार टीवी पर 2011 में यानी 8 साल की उम्र में नजर आई थी। 2011 में सुंबुल चंद्रगुप्त मौर्य नाम के टीवी सीरियल में नजर आई थी, जहां उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इस सीरियल में उन्होंने शुभदा का किरदार निभाया था। 2011 के दो साल बाद 2013 में वो जोधा अकबर नाम के टीवी सीरियल में भी नजर आई, जिसके बाद 2015 में सुंबुल डीआईडी लिटिल मास्टर्स में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई, यानी डीआईडी लिटिल मास्टर्स उनका पहला रियलिटी शो था। उसके एक साल बाद 2016 में वो वारिस नाम के टीवी सीरियल में नजर आई। 2019 में सुंबुल ने इशारों इशारों में नाम के सीरियल में काम किया। 2019 सुंबुल के लिए काफी अहम था, क्योंकि वो इसी साल म्यूजिक वीडियो वास्ते में भी नजर आई, जिसे ध्वनि भानुशाली पर फिल्माया गया था। साल 2019 में ही घर की ज्योति नाम की एक शॉर्ट फिल्म में भी सुंबुल ने काम किया था। साल 2019 सुंबुल के लिए इसलिए भी काफी अहम था, क्योंकि वो इसी साल आर्टिकल 15 नाम की बॉलीवुड फिल्म में नजर आई थी, जिसमें वो आयुष्मान खुराना के साथ दिखाई दी थी। 2020 में टीवी सीरियल इमली आया और इमली में सुंबुल अहम भूमिका में नजर आई और यहां से उन्हें जबरदस्त सुर्खियां मिली और उसके बाद सुंबुल तौकीर खान घर घर पहचाने जाने वाला नाम बन गई। सुंबुल के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि उनका निकनेम गुनगुन है। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है सानिया तौकीर खान और ये दोनों एक साथ रहती हैं। इनके पापा इनके सिंगल पेरेंट हैं। तो सुंबुल से जुड़े ये अननोन फैक्ट आपको कैसे लगे, कमेंट्स के जरिए आप हमें बता सकते हैं। और टीवी और बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।